गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्व मूल्यांकन प्रश्न पत्र देने जा रहा हूं। यह है भगदीन पाठ से संबंधित है। भगदीन पाठ के बारे में उसकी समरी क्वेश्चन आंसर आपको पहले करवाए जा चुके हैं, इसलिए इस स्व मूल्यांकन प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें। इसमें परीक्षा से संबंधित आपको पठित गद्यांश दिए जा रहे हैं, बोधात्मक प्रश्न दिए जा रहे हैं। इसमें आप पाठ को ध्यान से पढ़ें। पाठ में से ही उसकी कुछ विषय वस्तु उठाई गई हैं और उस विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न आपके आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, इसको ध्यान से पढ़ें। इसमें आपको पाठ की थोड़ी समरी दी गई है और उस समरी के आधार पर कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं। उन क्वेश्चनों को भी ध्यान से पढ़ें, उनके आंसर उसमें से छांटने का प्रयास करें। ये एक स्व मूल्यांकन प्रक्रिया है जो आपको स्वयं करनी है। किस प्रकार से भगदीन और लेखिका का संबंध है, किस प्रकार से भगदीन जो है अपने हर प्रकार के प्रश्न को सुलझा लेती है, किस प्रकार लेखिका उसे समझाती हैं, ये सारी बातें इसमें दिखाई गई हैं। शास्त्र का प्रश्न भी भगदीन सुविधा के अनुसार सुलझा लेती हैं। मुझे स्त्रियों का सिर मुंडाना अच्छा नहीं लगता। मुंडाना का मतलब यहाँ मुंह ढकने से लिया गया है, अतः मैंने भगदीन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्रों में लिखा है। यानी जब लेखिका के द्वारा ये कहा जाता है कि भाई स्त्रियों को सिर नहीं ढकना चाहिए, वह अपनी भगदीन जो उसकी नौकरानी के रूप में कार्य करती थी उसको भी वो मना करती है सिर ढकने से, तो उस प्रश्न को किस प्रकार से वह सुलझा लेती हैं, क्या तर्क देती हैं, शास्त्रों में लिखी हुई बात का प्रमाण देती हैं, शास्त्रों में कौन सी सूक्ति लिखी गई है, जैसे इसमें दिखाया गया है तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। तो इस प्रकार के बहुत से ऐसे प्रश्न थे जो भगदीन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। इस प्रकार की बातें इस पठित गद्यांश में बताई गई हैं, उस पर आधारित उसके प्रश्न हैं। लेखिका ने किस प्रकार भगदीन को शास्त्रार्थ में निपुण बताया कि शास्त्रों के प्रश्न को भी सुलझा लेती हैं, शास्त्रों की बातें भी उसे याद हैं, क्या वास्तव में उसने शास्त्रों को पढ़ा है। दूसरा क्वेश्चन है, लेखिका के मन में उठे कौतूहल के भाव का कारण क्या है, कौन सा ऐसा भाव है, कौतूहल जिज्ञासा, कैसी जिज्ञासा लेखिका के मन में उत्पन्न होती है, और भगदीन की चारित्रिक विशेषताएँ, भगदीन का चरित्र कैसा था। देखिए, जब इस प्रकार के गद्यांश को हम पढ़ते हैं और उस पर आधारित जब क्वेश्चन आते हैं तो वो ज़रूरी नहीं होते हैं कि हमें वैसे के वैसे उनका आंसर मिल जाए। हाँ, यदि आप उसके अर्थ को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं तो उन आंसरों के बारे में भी हम बता सकते हैं। इसी में दूसरा है, गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायनवर्ती जगा दी थी। ये भी भगदीन पाठ से ही लिया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से भगदीन जो है वो युद्ध की स्थिति से उत्पन्न स्थिति को लेखिका से किस प्रकार से व्यक्त करती हैं, कौन कौन से ऐसे काम वो करना चाहती हैं, कैसे वो अनुरोध करती है लेखिका से कि वह उसके साथ उसके गांव चले, युद्ध की स्थिति सही होने पर वह वापस यहीं पर आ जाएंगे, किस प्रकार से वह उसके पढ़ने की व्यवस्था कर देगी, उसका सामान किस तरीके से रख देगी, कहाँ कहाँ क्या करेगी, वो सारी बातें जो हैं इस गद्यांश में बताई गई हैं। इसमें भी वही है कि किस प्रकार से, और सबसे बड़ी रहस्य की बात यहाँ पर ही दिखाया गया है कि भगदीन का लेखिका के प्रति लगाव कितना गहरा है,
वो किस प्रकार से उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहती हैं। युद्ध की विभीषिका में भी वह अपने गांव में जाकर लेखिका के पास रहना चाहती हैं, लेखिका को अपने साथ सुरक्षित अपने घर ले जाना चाहती हैं भगतिन को। इसमें भी क्वेश्चन बनाए गए हैं, जब आप इसको पढ़ेंगे, लेखिका के पास कौन आया और उसने उससे क्या अनुरोध किया है। दूसरा है, भगतिन लेखिका के क्या क्या काम करती थी, और इसके आधार पर भगतिन और लेखिका के संबंध को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। इसको पढ़ेंगे, इनका आंसर देंगे आप ज़रूर, जिस भी तरीके से होता है। अब इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं, तीन तीन नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, और जिस भी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, पाठ को अगर हमने उसको ध्यान से पढ़ा है तो उनका आंसर हम अच्छे से दे सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें, भगतिन और लेखिका के व्यक्तित्व में क्या अंतर दिखाई देता है, लेखिका ने क्यों कहा कि उसके परिणाम ने उसे विस्मित कर दिया था, कौन सा ऐसा परिणाम था। पाठ को जब एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें वो सब बातें ज़रूर निकल कर के आएंगी। दोनों जिठानियों ने किस प्रकार की संतानें पैदा की थी, ये भी आप जब पाठ पढ़ेंगे तो उसमें आएंगी। बात है कि उस पाठ को पढ़ने के पश्चात ये बातें जो क्वेश्चंस में आपसे पूछी गई हैं, आप कितना ध्यान रख पाते हैं, कितना उसके बारे में बता पाते हैं। निबंधात्मक प्रश्न आते हैं तीन अंक के। पहला है, भगतिन रेखाचित्र पितृ सत्तात्मक समाज की मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह करता है। कथन को पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है कि वास्तव में भगतिन पाठ में जो पितृसत्तात्मक समाज है हमारा, कि पिता को ही, पुरुष को ही सबसे प्रधान माना जाता है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है किस तरीके से, वो इसमें दिखाया गया है। दूसरा है, संबंधों में प्रकारता आत्मीयता के भाव से उत्पन्न होती हैं। कथन को भगतिन के आधार पर स्पष्ट करना है, ये कथन दिया गया है। संबंधों में प्रगाढ़ता, संबंधों में गहरापन, अत्यधिक लगाव आत्मीयता के भाव से उत्पन्न होता है, इस कथन को विस्तार से समझाना है पाठ के संदर्भ में। लेखिका ने भगतिन की तुलना हनुमान जी से क्यों की है, भगतिन पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। एक प्रश्न आता है, जब लेखिका अपने और भगतिन के संबंध की तुलना हनुमान जी से करती हैं, क्यों करती हैं, किस कारण से करती हैं, कौन से ऐसी समानताएं हैं, गुण हैं जो उसको इस तुलना को करना पड़ा, तो वो सब तर्क, वो सब बातें जो है इसमें व्यक्त करनी है आपको। भगतिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था, लेखिका ने भगतिन के संबंध में यह कथन क्यों कहा, स्पष्ट कीजिए। अब इन सभी क्वेश्चनों में अब आपको वो सभी बातें लिखनी है जो पाठ में आपने की हैं। ये ज़रूर ध्यान रखें कि किस तरीके से पाठ में वो सारी बातें आई हैं, इन प्रश्नों में भी वही बातें आई हैं, और पाठ को जितना अच्छे से आपने पढ़ा है वो इन प्रश्नों से आपको ज्ञात हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर आप सोल्व करें, अपने आप करें, और ये देखें कि हमने जो उस पाठ को पढ़ा है, उस पाठ को पढ़ने से कितनी ऐसी सामग्री है जो हमारे ध्यान रह पाई है। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पाठ हम पढ़ लेते हैं, पाठ पढ़ने के पश्चात हमें लगता है कि हमने पाठ को पढ़ लिया, उसकी समरी हमें ध्यान आ गई, उसकी कहानी भी हमें अच्छे से ज्ञात है, लेकिन जब उससे संबंधित कोई क्वेश्चन हमसे किया जाता है तो हमें थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। हमें लगता है कि हाँ, ये बात तो पाठ में आई थी, कहाँ पर आई थी, कितनी आई थी, उस चीज़ को हम उस क्वेश्चन से जानने का प्रयास करते हैं। प्यारे विद्यार्थी, इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको बनाकर भेज रहा हूँ, ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सकें कि जिस पाठ को आपने पढ़ा है वो कितना आपके ध्यान है, कितना आप उसको कर रहे हैं। ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक सब मूल्यांकन की होमवर्क आपको दिया है, और उस होमवर्क को आप ज़रूर करें, देखें, समझें, और कहीं भी कोई किसी तरीके की परेशानी आती है तो आप ज़रूर मुझसे फ़ोन पर भी बात करें। जिस भी क्वेश्चन को, जिस भी पाठ को आप पढ़ते हैं और उसमें आपको लगता है कि कहीं कोई ऐसी बात है जो हमारे समझ नहीं आई,
हमें लगता है कि हमने पढ़ तो लिया लेकिन उससे जो हमें समझना चाहिए था कोई ऐसी कठिनाई आ रही है, तो उसको ज़रूर जो है आप निशान लगाएं और उसको पूछने का प्रयास करें। प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से सोल्व करें, देखें और उसके बाद आप उसको मिला भी सकते हैं पाठ के आधार पर, पाठ की समरी के आधार पर। लेकिन पहले आप उसको इस तरीके से करें कि हमने पाठ को पढ़ लिया था, अब यदि क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है तो उस क्वेश्चन को हम कितना अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, उस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए क्या हमें दोबारा से उस पाठ को पढ़ने की आवश्यकता है, या हम एक बार पढ़े पाठ के आधार पर उसका आंसर दे सकते हैं। ये सब ऐसी बातें हैं जो आपको यह एहसास कराएंगी कि वास्तव में हमारे द्वारा पढ़ा गया पाठ कितना हमारी समझ में आ सका। प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप ज़रूर करें और जो कोई भी कठिनाई आती है उसको आप समय समय पर पूछते रहें। इसको करने के बाद ही मैं आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इस प्रकार की बातें समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा, और आप इस तरीके का अभ्यास जो है करते रहें ताकि हमारी पढ़ाई निरंतर चलती रहे। धन्यवाद।